फ्रेंड्स, बालों में कलर करना हर किसी को पसंद है, क्यों ना इसे नेचुरली तरीके से किया जाए, जिससे कि बाल आपके ड्राई भी नहीं होंगे, डैमेज भी नहीं होंगे और बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी बालों में हो जाएगा। बट कैसे फ्रेंड्स, मैं हूँ भारती, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ पर मैं एवरी वेडनेसडे और संडे को वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि 100% सेफ है, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। यस फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हिना के बारे में। फ्रेंड्स, हिना के जरिए आप नेचुरली तरीके से अपने बालों को कलर कर सकते हैं। आपको अगर ऑरेंजिश शेड चाहिए, आप ऑरेंजिश शेड पा सकते हैं हिना से। ब्राउनिश शेड चाहिए, आप ब्राउनिश शेड पा सकते हैं हिना के जरिए से। और अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए, आप हिना से के जरिए पा सकते हैं। आपको अगर बरगंडी कलर चाहिए तो आप हिना के जरिए पा सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आप डिफरेंट डिफरेंट शेड के कलर हिना से पा सकते हैं और आपके बाल 100% सेफ भी रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कई लोगों के दिमाग में होता है कि हिना यूज़ करने से बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, बाहर से आप अगर केमिकल वाले कलर बालों में करते हैं, उससे भी तो बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और तो और बाल सफ़ेद तक हो जाते हैं। और उनको सेफ रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम स्पा लेना होता है सैलून में जाके, और बालों में जो कलर हुआ है उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको उन्हीं का ही शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तब जाके आपके बाल सेफ रहते हैं। सेम ऐसे अगर आप हिना का रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो हिना बालों को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करती है। पर छोटी छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, सेफ रहेंगे और नेचुरली तरीके से आप अपने बालों पर कलर भी पा सकेंगे, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं 5 से 6 साल के करीब से हिना का यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हैं। आपके सामने ही आप देख रहे हैं, मेरे बालों का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी हैवी बाल हुए हैं। तो हिना बालों को प्रोटेक्ट करके भी रखती है। जिस एरिया में अगर आप रह रहे हैं ना, वहाँ का पानी अगर खारा है, तो हिना अगर आप रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो हिना बालों के में एक प्रोटेक्ट लेयर एक प्रोटेक्ट कर देती है, जिसके ज़रिए जो खारा पानी होता है ना, वो आपके बालों के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आता है, जिससे आपके बाल ड्राई और डैमेज नहीं होंगे। तो हिना बहुत ही ज़्यादा सेफ है और बहुत ही अच्छा कलर भी देगी और इसके कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, मैं जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं जिस तरह से बालों में हिना को अप्लाई करती हूँ, किस तरह से उसका पेस्ट तैयार करती हूँ, वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे पर्सनली ब्राउनिश शेड अच्छा लगता है बालों में, और मैं हिना का एक ही तरह का पेस्ट बना के हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ। मंथ में 2 टाइम तो मैं हिना यूज़ करती हूँ, बट कभी कुछ मिक्स करके लगा लिया, कभी कुछ मिक्स करके लगा लिया, बट मैं ज़्यादातर जो पेस्ट बना के अप्लाई करती हूँ अपने बालों में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सब लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ भारती_ब्लॉग के नाम से, आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो करो। मैं रील्स और फोटोज़ वगैरह अपनी डालती रहती हूँ और लेटेस्ट अपडेट भी आपको वहाँ से मिल जाएगा मेरा। और फ्रेंड्स, मैं इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर चलिए मैं बताती हूँ कि मैं हिना को कैसे अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, किस तरह उसका पेस्ट बनाती हूँ और किस तरह से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड, मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर कांच का बोल ले रही हूँ, और अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप लोहे की कढ़ाई में मेहंदी का पेस्ट तैयार करें। इसके अलावा आपको प्लास्टिक का बर्तन या फिर एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ नहीं करना है, आपको कांच का या फिर लोहे की कढ़ाई में ही मेहंदी का पेस्ट तैयार करना है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा नेहा मेहंदी यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पर वही मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी मेहंदी पसंद हो तो आप वो मेहंदी यूज़ कर सकते हैं, और मैं बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी निकाल रही हूँ। आपके बाल
बाल अगर छोटे हैं या फिर मेरे से बड़े हैं तो अपने बालों के हिसाब से आप मेहंदी कम या ज़्यादा निकाल सकते हैं। और उसके बाद इस मेहंदी को जिससे जिस पानी से मैं तैयार करूँगी तो वो मैं आप बताऊँगी कि उसको मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक पैन में एक ग्लास के करीब पानी ले रही हूँ और उसमें जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं 2 चम्मच के करीब मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो 8 से 10 करीब मैं लौंग डाल रही हूँ और 1 चम्मच की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए गैस में ऐसे रखा रहने दूँगी। जब एक उबाल आ जाएगा तो आपको गैस बंद कर देनी है और एक छन्नी की हेल्प से मैं इस पूरे पानी को छान ले रही हूँ। और ज़्यादा गर्म पानी को आपको मेहंदी के पाउडर में नहीं डालना है और ना ही ठंडा डालना है। नॉर्मल हल्का सा जब गर्म रहेगा ना तभी आपको मेहंदी के पाउडर में थोड़ा थोड़ा करके पानी को आपको डालना है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना पेस्ट पतला हो जाएगा। जब आप अप्लाई करेंगे हेयर में तो वो गिरेगा। धीरे धीरे करके आपको डालना है मेहंदी में और इस तरह से चम्मच से आपको मिलाते जाना है और कुछ इस तरह का थिक सा पेस्ट आपको बना के रखना है। इस तरह का बना के मैं 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ। 8 से 10 घंटे के बाद मैं मेहंदी के पेस्ट में थोड़ा सा पानी नॉर्मल ऐड करूँगी और कुछ इस तरह का मैं पेस्ट बना लूँगी। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मेहंदी जब अप्लाई करो उसके एक दिन पहले आपको हेयर को शैम्पू की हेल्प से अच्छे से वॉश कर लेना है। गंदे बालों में अगर आप मेहंदी अप्लाई करेंगे तो अच्छा कलर नहीं मिलेगा। मेहंदी अप्लाई करने से पहले मैं कॉम्ब की हेल्प से जितने भी बालों में टैंगल्स होंगे उनको रिमूव कर दूँगी, जिससे मैं मेहंदी लगाऊँगी तो अच्छे से मेहंदी अप्लाई हो जाएगी। वैसे मैं मेहंदी अपने बालों में खुद अपने हाथों से अप्लाई करती हूँ, बट इस टाइम पर मेरी सिस्टर मेरे पास थी तो उसने मेरे बालों में पूरे मेहंदी अप्लाई कर दी थी। तो आप अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और मेरी सिस्टर ये ब्रश की हेल्प से मेहंदी अप्लाई कर रही है तो, और आप अगर ब्रश के से कंफर्टेबल हैं तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अपने हाथों से भी आप मेहंदी बालों में लगा सकते हैं। और हाथों में आप ग्लव्स जरूर पहन लें जिससे कि हाथ आपके लाल ना हो, क्योंकि हाथ लाल हो जाते हैं तो वो फिर मेहंदी जल्दी छूटती नहीं है, फिर गंदे लगते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। मेरी सिस्टर ने सबसे पहले सर पे छोटा सा बन बनाया था और उसके चारों तरफ बाल लपेटती जा रही थी और उसके ऊपर मेहंदी अप्लाई करती जा रही थी। इस तरह से करके मेरे पूरे बालों में मेहंदी अप्लाई हो चुकी है और उसके बाद एक शावर कैप की हेल्प से मैं अपने पूरे बालों को कवर कर लूंगी। इस तरह से मैं हेयर में हिना को अप्लाई करती हूँ और हेयर ड्राई एंड डैमेज ना हो इस वजह से मैंने शावर कैप पहन रखा है, क्योंकि आप अगर मेहंदी लगाने के बाद बालों को ऐसे ही खुला छोड़े रखेंगे ना उससे बाल ड्राई एंड डैमेज जरूर होंगे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि हवा बालों में लगती है तो बाल में जो मेहंदी लगी हुई है ना वो कड़क हो जाती है, उसमें जब आप पानी से वॉश करेंगे ना तो वो इजीली रिमूव भी नहीं होगी और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होगा और बाल ड्राई एंड डैमेज भी ज़रूर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस करें। और शावर कैप जब आप पहन लेंगे ना तो आपकी जो मेहंदी होगी वो अंदर गीली रहेगी, थोड़ी बहुत टपकेगी, तो इसलिए आप पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। आप डार्क कलर के कपड़े पहने या फिर पुरानी कोई टी शर्ट या पुराने कपड़े पहने जिससे कि बाल वो गिरे भी तो आपके कपड़े ख़राब ना हो, इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं इसमें इसको 3 से 4 घंटे के करीब बालों में रखती हूँ और नॉर्मल पानी से मैं आज के दिन वॉश करूँगी एंड दूसरे दिन मैं शैम्पू कंडीशनर अच्छे से करके हेयर को वॉश कर लूँगी। और जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा बालों का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। मुझे ब्राउनिश शेड पसंद है तो मैं उस तरह, अगर आपको बरगंडी कलर चाहिए तो आप बीट रूट का जूस निकाल के आप मेहंदी में डाल लें तो उससे आपको बरगंडी कलर बहुत सुंदर सा मिल जाएगा। और आपको अगर ब्लैक कलर चाहिए तो आप उसको इंडिगो पाउडर आप उस पर मिक्स करके हिना में लगाएंगे तो उससे आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। और ऑरेंजिश शेड में आपको चाहिए तो नॉर्मल आप हिना को अप्लाई करें और 3 से 4 घंटे के लिए आप रखें। और अच्छा सा आपको कलर अगर चाहिए तो आप चाहें तो ओवरनाइट भी हिना को रख सकते हैं, बट शावर कैप या फिर जो वेजिटेबल वाली पॉलीथीन आती है उनको आप पहन के रखेंगे ना तो आपके बाल ड्राई डैमेज नहीं होंगे। और हिना तो नेचुरल कंडीशनर का वर्क करती है तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर ज़्यादा देर तक रखेंगे आपके बाल सेफ रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और एक चीज़, हिना का आप अगर यूज़ कर रही हैं ना तो फ्रेंड्स आपको वीक में एक टाइम नहीं तो 2 टाइम हेयर में ऑयल को ज़रूर अप्लाई करना है, इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और पहले से ही अगर आपके हेयर ड्राई हैं और डैमेज हैं और उसमें आप हिना को अगर यूज़ कर रहे हैं ना तो हिना का जब पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें आप दही को मिक्स करें,
दही को मिक्स करके अपने हेयर पे लगाएंगे तो बाल आपके सेफ रहेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख के हिना को अप्लाई करें। हिना आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, आपका नेचुरल कंडीशनर का वर्क भी करेगी, हेयर अब हेयर को बहुत ज़्यादा बाउंसी शाइन आएगा आपके बालों में और नेचुरली कलर भी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अपना तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।